नमस्कार दोस्तों, कुंजल क्रिया एक ऐसा अभ्यास जिससे कि हमारा स्टमक बहुत अच्छे से साफ होता है, पूरा का पूरा डिटॉक्स हो जाता है, पाचन क्रिया भी अच्छी चलने लगती है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुंजल क्रिया का अभ्यास, वमन क्रिया और धोती क्रिया में आपको ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिससे कि आप चाहे बिगनर हों चाहे आप बड़े अभ्यासी हों, इस अभ्यास को आप कंटिन्यू कर रहे हो, परंतु कुछ ना कुछ गड़बड़ बीच में हो ही जाती है जिससे कि हम पूरा बेनिफिट इसका नहीं ले पाते हैं, पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आएंगे मेरे साथ कुंजल क्रिया के अभ्यास करने के लिए। सबसे पहले बैठ जाएं, उखड़ू बैठे, दोनों पैरों के बीच में गैप दें और फिर जो हमने पानी तैयार किया है, नमक डाल के, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालें, छोटा चम्मच, और ऐसे ही 2 लीटर पानी को अच्छे से गुनगुना करके मिक्स कर लें और फिर एक एक लोटा करके पिए तेजी से, जिससे कि पानी पचे ना, सलाइवा हमारा मिक्स ना हो पानी में और डायरेक्ट हम पानी को पी लें। 3 से 4 लोटे पानी को पी जाए। अब इस प्रकार बैठकर शुरुआती अभ्यासी फर्स्ट 2 फिंगर्स को गले में जीभ के मूल भाग को दबाकर तब वमन क्रिया करें, पानी को बाहर निकालें। एडवांस अभ्यासी हैं वो कुछ इस प्रकार खड़े हो, पेट पर प्रेशर डालें थोड़ा सा और धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर खींचें जिससे कि पानी ऊपर की ओर आने लगेगा। इस प्रकार जब आपको लगे कि हमने 2 लोटा पानी पिया था और एक ही बाहर आया है, तो 1 लोटा पानी और पी लें। दोनों के दोनों लोटे पानी बाहर आ जाएगा और स्टमक पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा, पित्त भी उठने लगेगा। जो बिगिनर्स हैं वो इस प्रकार हाथ रखें और आगे की ओर प्रेशर डालें, पेट को टाइट करें और अंदर की ओर करें जिससे कि पानी ऊपर की ओर उठने लगेगा। इस प्रकार जब पानी पूरा लगे कि खाली हो गया है, फिर आगे की ओर झुकें, तब उसके बाद कुंजल करें जिससे कि पित्त उठ के पूरा आने लगेगा। तो आप कंटिन्यू इस अभ्यास को करके अपने स्टमक को डिटॉक्स तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में चेहरा भी आपका ग्लो होने लगेगा और खाना अच्छे से पचने लगेगा। संपूर्ण शरीर में आपके जितने भी आप डाइट लेते हो उसके न्यूट्रिशंस प्रत्येक सेल तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।